नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। अब संकेत दे दिया गया है कि भारत और चीन को अपने बीच के जो संबंध है आपस में सुलझा लेने चाहिए और भारत का एक अच्छा मित्र बनने की कोशिश में है ऑस्ट्रेलिया, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के भारत में हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरल का। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच में जो एक वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, इसके साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं वे एक बड़ी ऊंचाई को पहुंचेंगे और हम दोनों ही डेमोक्रेसी हैं और अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में इस तरीके की मीटिंग एक तरीके से रियल मीटिंग की तरह से ही होगी और दो अच्छे मित्रों के जैसे बातचीत होती है आमने सामने बैठकर, उसी तरीके से ये बातचीत होने जा रही है और इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, ये कहना है बैरी ओ फेरल का। उन्होंने साथ ही ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया G7 में भारत के साथ साथ जुड़ने में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। हमारे साथ साथ जिस तरीके से दो और देशों को इसमें शामिल करने की बात कर रहे की जा रही है, दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, रूस को भी, हालांकि रूस शुरुआत में इसका सदस्य रह चुका है लेकिन अमेरिका और रूस के रिश्तों में खटास आने के बाद ये हट गया था। तो सीधे तौर पर भारत को एक और बड़ा सहयोगी मिल गया और इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी चीन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका ऑस्ट्रेलिया भी विरोध करता रहा है और इसको लेकर चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसके तहत 1200 मरीन जो कमांडो हैं अमेरिका के, US मरीन कमांडो, उनको तैनात किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जो समुद्री सीमाएं हैं उन पर और इससे चीन को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि चीन ये समझता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसकी नौसेना भी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय राज्य है और इस वजह से उन्होंने अपनी सेना को कभी भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए चिंतित नहीं हुए वो लोग, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन अब उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है और यही वजह है कि अमेरिका से उन्होंने 1200 मरीन कमांडो की तैनाती अपने तटों पर कराने की बात कही है। निश्चित तौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत मिलकर इस चीन का जो संकट है इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने अभी पिछले दिनों समोसे खाते हुए एक तस्वीर शेयर की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर एक अच्छा जवाब दिया था। सीधे तौर पर जो केमिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में वो भी भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री के जो रिश्ते हैं बाकी देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनके साथ में, वो अलग अलग तरीके से हर एक के साथ में वो आत्मीय रिश्ता जोड़ लेते हैं और इसका फ़ायदा देश को काफ़ी होता है क्योंकि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनते हैं उनमें कई बार जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है उसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक यहाँ पर एक हित मिलता है चीन को लेकर, जिस तरीके से बातें चल रही है कोरोना वायरस को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि भारत की जो कोशिश है वो न केवल अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को भी भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिली है कोरोना की इस बीमारी से लड़ने में। सीधे तौर पर भारत के जो रिश्ते हैं उनका फायदा अब दोनों देशों की जनता को मिलने जा रहा है, यही संदेश देने की कोशिश की है बैरी ओ फेरल ने और जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में जो वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग होगी इसमें कई सारे एग्रीमेंट्स साइन होने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी से स्पेकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो जो एग्रीमेंट साइन होंगे वो दोनों देशों के हितों में होंगे और इसलिए आप इंतजार कीजिए जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं उसके बाद क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं। और चीन जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपना रहा है, उसका विरोध जब ऑस्ट्रेलिया ने किया था तो चीन ने अमेरिकी कुत्ता कहा था और इसका विरोध ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े स्तर पर किया जिसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाला मांस और दूसरी चीज़ें रोक दी थी। इसके अलावा चीन अब ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाती है चीन में और उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया खुले में इसका विरोध कर रहा है और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी
भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि चीन की जो सीमाएँ हैं वो भारत के साथ मिलती हैं, और जैसा कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते रहे भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और अगर इन दोनों देशों के साथ आने से चीन पर दबाव बनता है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के और भारत दोनों के ही हितों में होगा। भारत के तमाम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ उन्हें रोज़गार मिलता है और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा व्यवहार भी होता है, उन्हें विशेष सुविधाएं भी मिलती है। इसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा की शर्तों में और ज़्यादा कुछ सहूलियतें भारतीयों को मिले, वहाँ पर उन्हें कारोबार की छूट मिले। उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर चर्चाएँ होनी हैं दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री मॉरिसन है वो अपना दोस्ती किस तरीके से उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में है इसको कई बार वो जाहिर कर चुके हैं, और उसे जाहिर करते हुए वो एक फ़ख्र का महसूस करते हैं ये भी वो बता चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऑस्ट्रेलिया अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत से कई गुना ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। निश्चित तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो दोस्ती है वो दोनों देशों के नागरिकों को तो फायदा करेगी ही, लेकिन दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से अमेरिका ने पहले भी आगाह किया था, एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए है उससे दुनिया के तमाम देशों के साथ उसके संबंध हैं वो दिखाते हैं कि चीन किस तरीके से विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, और अमेरिका इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। अमेरिका इसमें हर हरकत पर नज़र बनाए हुए चीन की, और उसको जवाब देने की भी तैयारी अमेरिका कर रहा है। माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी संसद में इस समय 60 से ज़्यादा बिल पेंडिंग है जो कि चीन के खिलाफ है और चीन की कंपनियों या चीन के लोगों के खिलाफ है। चीन ने जिस तरीके से पहले जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो अपने यहाँ की उड़ानों को बंद कर दिया था और देश से बाहर जाने वालों को छूट दे रखी थी, यानी कि चीन ने जानबूझकर जो वायरस था उसका संक्रमण दुनिया के तमाम देशों में फैलाया। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन के साथ जिस तरीके से सीमा विवाद पैदा कर रहा है ऐसा ही वो दक्षिण चीन सागर में भी कर चुका है, और दूसरे देशों को भी इससे परेशान चीन करने में लगा हुआ है। चीन की ये कोशिशें उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीति है उसकी वजह से है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन में इस समय जो शासन कर रही है वो पिछले 10 साल से जो जैसी थी अब उसमें काफी बदलाव आया, और इस बदलाव की वजह उन्होंने बताया है सी जिनपिंग को। उन्होंने कहा कि जिनपिंग के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से ये न लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, न दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से ये अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने का इरादा रखते हैं और उसके द्वारा जो पड़ोसी देश हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमारा रक्षा मंत्रालय पूरी नज़र लगाए हुए है, और डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में हम निश्चित तौर पर चीन को उसके किए की सजा भी दिलाकर रहेंगे। माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि उनका जो रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चीन जिस तरीके से जासूसी कराने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया हो या ब्राज़ील या दूसरे देशों ने भी इस बात को लेकर चीन की काफ़ी आलोचना की है, और ये सभी हमारे अच्छे पार्टनर हैं, और उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टनर हमारा भारत है, और हम भारत के हर एक हित का भी ख्याल रख रहे हैं, और हमें पता है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि चीन ने जो सीमा पर ये अपनी तैनाती की है इसके लिए वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, जिसको अब आकर उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि बीगर मुसलमानों के संबंध में भी हमने एक बिल पास कराया है जिसको लेकर चीन तिलमिला गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब WHO से बाहर आने की घोषणा की तो चीन को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और आज उसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका WHO से बाहर आकर ये पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ चीनी प्रवक्ता ने यह कहने की कोशिश की कि दुनिया के ज़्यादातर देश इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अमेरिका की इस पावर पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि ज़्यादातर जो देश हैं वो चीन द्वारा अपनाई गई जो नीतियां हैं या चीन ने जिस तरीके से वुहान वायरस को फैलाने में एक नकारात्मक भूमिका निभाई है उसको लेकर चीन के आलोचक हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के पक्षधर हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कह दिया है कि वो WHO में केवल तभी शामिल हो सकता है जब इसके अंदर से चीन की जो दबदबा है उसको खत्म किया जाएगा, और दूसरा जो इसके अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको
खत्म किया जाएगा, यानी कि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले WHO को बदलना पड़ेगा, तब अमेरिका इसमें दोबारा आने की सोच सकता है। और ऐसा इसलिए है कि अमेरिका के बाहर हो जाने के बाद 25% से ज़्यादा फंडिंग जो अमेरिका देता था उसके बंद हो जाने के बाद WHO के ऊपर बड़ा संकट पैदा हो गया और उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर चीन की बात की जाए तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन की जो हरकतें हैं उनकी लिस्ट लंबी है, चाहे वो अमेरिका की बौद्धिक संपदा को चुराने की बात हो, अमेरिकियों का रोजगार बर्बाद करने की बात हो, या दक्षिण चीन सागर में समुद्री लेन का उल्लंघन करने की बात हो, जिससे वियतनाम हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे देशों के साथ साथ भारत को भी बहुत ज़्यादा उसके हितों का नुकसान होता है। और उसके बाद जिस तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ चीन सुरक्षा उनकी सुरक्षा को लेकर जो हरकतें कर रहा है वो भी किसी भी तरीके से वैश्विक राजनीति के लिए हितकारी नहीं है। तो सीधे तौर पर माइक पोम्पियो ने अब उसी बात को दोबारा से रख दिया है जिसको पहले अमेरिकी एक राजनीतिक ने कहा था, उसके बाद दूसरी तरह सीनेटर्स भी कह चुके थे, और अब विदेश मंत्री का ये कह देना ये स्पष्ट करता है कि चाइना की नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, अमेरिकी प्रशासन है, वो कितना ज़्यादा सख्त है और किस हद तक अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है।